हाउ डू यू नो थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस? आप अमेंडा को कितने साल की सोचते हैं और आप ये कैसे सोचते हैं? अमेंडा इज़ अबाउट 13 or 14 ईयर्स ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल। अमेंडा लगभग 13 से 14 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। शी इज बींग स्कॉल्डेड फॉर थिंग्स टिपिकल फॉर दैट पर्टिकुलर एज। उसे एक विशिष्ट खास एज के कारण उसे डांटा जाता है, फटकारा जाता है। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन हर गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स। उसके माता पिता उसमें अच्छी आदतें, एटिकेट्स इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेंडा इज़ वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर। अमेंडा बहुत मासूम है और वो इमेच्योर है, अपरिपक्व है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि अमेंडा की जो एज है वो 13 से 14 साल की रही है। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? अमेंडा से कौन बात कर रहा है? वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। उसके माता पिता में से कोई एक उससे बात कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ हर मदर, और ज़्यादा संभावना है यह उसकी माँ है। इन अ ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ अ चाइल्ड। जो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड होता है, यानी परंपरागत तरीके से हम देखते हैं कि जो माँ है वो जिम्मेदार होती है। वैसे तो दोनों ही होते हैं, लेकिन एक ये सोच है ऐसी कि माँ है वो बच्चे के आचरण के लिए जिम्मेदार है। इन दिस केस ऑल्सो, और इस केस में भी, इस मामले में भी, द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, सजेस्ट वो सुझाते हैं, सुझाव देते हैं दैट द स्पीकर इज अमेंडाज मदर, कि वो अमेंडा की माँ ही है। क्योंकि अमेंडा की माँ कहती है रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, तो बार बार उसे डांटा जाता है, समझाया जाता है कि इस तरह से करना चाहिए काम, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो माँ होती वो ज़्यादा ध्यान देती है बच्चे पे। तो इस कारण हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो स्पीकर है वो उसकी माँ है। वाई आर स्टेंजर्स 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथिसिस? यानी 4 नंबर का 2 नंबर का 6 नंबर का जो स्टेंजर है वो पैरेंथिसिस में क्यों दिया गया है? स्टेंजर 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथिसिस बिकॉज, क्योंकि दे आर रिफ्लेक्ट द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, क्योंकि वे अमेंडा के जो इनर थॉट्स हैं, आंतरिक विचार हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। दे कैन बी टेकन एज द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन स्टेंजर्स 1, 3 and 5। ये एक रिएक्शन के रूप में आए हैं, क्योंकि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं स्टेंजर 1, 3 and 5 में, तो उनका जो रिएक्शन है वो दिखाया जाता है अमेंडा की जो इनर थॉट्स होती हैं उनके जरिए। हेयर देयर इज एन अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ स्कॉल्डिंग ऑफ द मदर। यहाँ पे जो नए बदलने वाला जो सीक्वेंस है, कहने का मतलब डांटने का माँ का, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन टू इट गिवन बाय द चाइल्ड, और फिर बच्चे के द्वारा किस तरह से जो प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है, अभिव्यक्त की जाती है। ऑल्सो पैरेंथेसिस इज यूज हियर टू मेक द रीडिंग ऑफ द पोएम फ्रेंडली, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उसकी जो इनर थॉट्स हैं वो पैरेंथिसिस में दी जाती हैं, ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें, पोएम को पढ़ सकें एकदम फ्रेंडली तरीके से। हु इज़ द स्पीकर इन स्टेंजर्स 2, 4 and 6? कौन है स्पीकर 2, 4 और 6 नंबर के स्टेंजर का? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजर्स 1, 3, 5 and 7? और क्या सोचते हैं आप कि जो स्पीकर है वो सुन रहा है स्पीकर, यानी जो स्टेंजा पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां का जो वक्ता है उसको सुन रहा है? स्पीकर ऑफ द स्टेंजर्स 2, 4 and 6 इज द चाइल्ड अमेंडा। 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के जो स्टेंजे हैं उनकी जो स्पीकर है, वक्ता है, वो है अमेंडा है। नो सी इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ स्टेंजर्स 1, 3 and 5 एंड शी इज़ लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन। वह नहीं सुनती है 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का जो स्टेंजा है, उसका जो स्पीकर है उस पर ध्यान ही नहीं देती है। हर वह अपने ही संसार में रहती है। हर इमेजिनेशन प्रोवाइड्स हर एन एस्केप फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी, और उसकी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है,
वह उसको एक मार्ग प्रशस्त करती हैं, यानी एक वो बच के निकल सकती है फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी, उसकी जो दुखद वास्तविकता है उससे, यानी वो नहीं चाहती उसे कोई डांटे डपटे फटकार लगाए। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर ए मरमेड, अमेंडा क्या करती है यदि वह एक मत्स्य कन्या होती, एक जलपरी होती। अमेंडा विशेष टू बी ए मरमेड, अमेंडा की इच्छा है कि वह एक मत्स्य कन्या हो, एक जलपरी हो। सो स्ले शी कुड केयरलेसली मूव अलोंग ऑन ए लैंग्वेड एमरल्ड सी, और वो एक शांत हरे समुद्र के अंदर एकदम केयरलेसली मूव अलोंग होती रहे। शी जस्ट विशेज टू बी कैरिड अवे बाई द ग्रीन सी वेव स्लोली एंड ग्रेजुअली, उसकी इच्छा है कि वह धीरे धीरे और काफ़ी अच्छी तरीके से समुद्री लहरों के द्वारा बहा कर आगे ले जाती रहे। अमेंडा लॉन्ग्स फॉर ए प्लेस, अमेंडा एक ऐसे स्थान की चाह रखती है वह जहाँ शी इज़ ऑल बाई हर सेल्फ, वह खुद हो, एज हर हैप्पीनेस और उसकी जो खुशियाँ हैं इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बींग, वो दूसरा कोई भी मनुष्य है उसके ऊपर निर्भर नहीं रहे। हैंस इसलिए शी डिजायर्स टू बी अ मरमेड, बिकॉज फॉर ए चाइल्ड मरमेड इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर, वो चाहती हैं कि वो एक मरमेड हो, मत्स्य कन्या हो, जलपरी रहे, क्योंकि बच्चे के लिए इसका मतलब ये है कि जलपरी का मतलब ये है कि वो एक सिंबल है, एक प्रतीक के रूप में है, किसके प्रतीक के रूप में, फ्रीडम के रूप में एंड वंडर के रूप में, स्वतंत्रता और आश्चर्य के रूप में जलपरी का सिंबल है एक बच्चे के लिए, इसलिए वो चाहती हैं कि उस पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई जाए, वो आराम से फ्री रहें अपना काम करने के लिए। इज अमेंडा एन ऑफन, वाई डज शी से सो, क्या अमेंडा एक ऑफन है और वो ऐसा क्यों कहती हैं। नो अमेंडा इज़ नॉट एन ऑफन, नहीं अमेंडा एक ऑफन नहीं है, अनाथ नहीं है। दाउ यद्यपि शी विशेज टू बी वन, वह होना चाहती हैं, अनाथ होना चाहती हैं। शी इज़ सो मच स्ट्रेस्ड विद द कंटिन्यूस नेगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि बार बार नियमित रूप से माता पिता की डांट डपट से वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। दैट शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी बेटर विदाउट दैम, इसलिए वो चाहती हैं, कल्पना करती हैं कि वो उनके बिना काफ़ी अच्छी रह सकती हैं। द मियर प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स अराउंड हर डिप्रेसेस हर, उनकी उपस्थिति मात्र ही, यानी माता पिता की उपस्थिति मात्र ही उसको काफ़ी डिप्रेस कर देती हैं। अमेंडा इज लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची है, हु सीक्स गोल्डन साइलेंस, जो तलाशती रहती है ये स्वर्णिम चुप्पी तलाशती रहती है, एंड स्वीट फ्रीडम और मधुरता भरी जो स्वतंत्रता है वो तलाशती रहती है। शी विशेज टू बी रोम अराउंड स्ट्रीट्स, वो चाहती है कि गली में वह घूमे आराम से, एंड ड्रा पैटर्न्स विद हर बैर फिट, और अपने नंगे पैरों से वो अलग अलग आकृतियाँ बनाए। इंडीड निसंदेह इट इज़ हॉरिबली डिप्रेसिंग, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। दैट अमेंडा एक्सपेक्ट्स बींग एन ऑर्फन, की वह खुद को एक्सपेक्ट करती है कि वो एक ऑर्फन हो, अनाथ हो। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपंजल, क्या आप रेपंजल की कहानी जानते हैं। वाई डज यू वॉन्ट टू बी रेपंजल, और वह रेपंजल क्यों होना चाहती है। स्टोरी ऑफ रेपंजल देखिए, रेपंजल्स स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ ऑन ए टावर, उसकी जीवन के इर्द गिर्द ही रेपंजल की कहानी घूमती है। रेपंजल वाज मेड टू लिव ऑन ए हाई टावर बाय ए विच, एक विच के द्वारा रेपंजल को एक ऊंची मीनार में रखा जाता है। शी इवेंचुअली गॉट यूज टू लिविंग देयर, फिर वो अभ्यस्त हो जाती है वहाँ रहने की। शी वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, वो अपने जीवन से काफ़ी प्रसन्न है और संतुष्ट है। रेपंजल हैड वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर, उसके लंबे सुनहरे बाल होते हैं। यूजिंग विच द विच यूज टू पे हर अ विजिट, और विच है वो वहाँ पे आती जाती रहती हैं। द फेट ऑफ रेपंजल टुक अ टर्न, और रेपंजल का जो फेट है वो टर्न होता है, बदलता है। वन वन डे जब एक दिन एक राजकुमार केम टू मीट हर यूजिंग हर हेयर, उसके बालों का इस्तेमाल करके उसे मिलने आता है। द विच हैड पनिश्ड बोथ ऑफ देम बाय सेपरेटिंग देम, तो विच होती है वो उनको पनिश करती है और उनको सेपरेट कर देती है। फाइनली दे मेट आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स ओनली टू बी यूनाइटेड फॉर एवर दिस टाइम, और वो कुछ एक साल बाद में वापस मिलते हैं और एकजुट हो जाते हैं। अमेंडा विशेज टू बी लिव लाइक रेपंजल ऑन ए हाई टावर अवे फ्रॉम एवरी वन, और अमेंडा भी चाहती है कि वो भी एक ऊंची मीनार में रहे, सभी से दूर रहकर।
शी सीक्स पीस एंड हार्मनी, वो तलाशती है शांति और सौहार्द तलाशती ढूंढती है। दैट इज़ द रीजन अमेंडा विशेज टू बी लाइक रेपंजल, इसलिए वो चाहती हैं और कारण यही है कि अमेंडा इस तरह से चाहती है कि रेपंजल बनना चाहती है। तो कारण स्पष्ट है क्योंकि उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई नेगिंग नहीं चाहिए उसको। हाउएवर यद्यपि शी ऑल्सो मेक्स अ पॉइंट दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड बींग डिस्टर्ब्ड शी वुड नेवर लेट हर हेड डाउन फॉर एनीवन टू क्लाइम टू हर, और वो नहीं चाहती कि अपने बाल रेपंजल की तरह नीचे लटकाएं और कोई युवराज राजकुमार चढ़कर ऊपर आए और उसको लेकर चला जाए। शी नीड्स नो वन टू मेक हर लाइफ हैप्पी, उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं है जो उसके जीवन को खुश बनाए, क्योंकि वह अकेले ही बहुत खुश रहना चाहती है। वॉट डज द गर्ल यान फॉर, लड़की किसकी चाह रखती है। वॉट डज शी दिस पोएम टेल, वाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा, अमेंडा के बारे में ये कविता आपको क्या बताती है। ए गर्ल लाइक अमेंडा यान्स फॉर फ्रीडम एंड स्पेस फॉर हर सेल्फ, एक लड़की अमेंडा जो अपने लिए स्वतंत्रता और एक जगह की चाह रखती हैं। शी इज इनकेपेबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर पेरेंट्स, वह इनकेपेबल हैं कि वो अपने पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफिल करें। अमेंडा इज़ नो लेस देन ए सिंबल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु फेस सिमिलर फैट इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कलर और नेशनैलिटी, वो उन सभी बच्चों के प्रतीक से कम नहीं है जो सामना करते हैं एक जैसे भाग्य का, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कलर या फिर नेशनैलिटी को लेकर। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ डिमांड ए सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर, और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वो डिमांड करती हैं इस तरह के सर्टेन बिहेवियर का फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, एंड ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस सच बिगिंस एट ए वेरी यंग एज, और इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो प्रोड्यूस करती हैं कि काफ़ी यंग एज में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। पेरेंट्स इग्नोर द इनोसेंस, पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं उनकी जो मासूमियत है एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के समझ का जो स्तर है उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। एंड देयर बाय, और इसलिए द यंग एंड्स ऑफ किलिंग देयर इमेजिनेशन एंड थॉट्स, और इस तरह से जो बच्चे हैं उनकी इमेजिनेशन और उनके जो थॉट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। रीड द लास्ट स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा पढ़िए। डू यू थिंक अमेंडा इज अल्किंग एंड इज मूडी, क्या अमेंडा काफ़ी सल्किंग है और मूडी है। तो आंसर इसका नो, अमेंडा इज नीदर सल्किंग नोर मूडी, ना ही तो वो सल्किंग है और ना ही वो मूडी है। शी इज सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इनफ इन द नेगिंग बिजनेस ऑफ हर पेरेंट्स, वो साधारण रूप से इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं माता पिता हैं उनका जो काम है नेगी करने का, डांटने डपटने का, फटकारने का, तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अमेंडा केयर्स मोर अबाउट हर इमेजिनेशन, अमेंडा को ज़्यादा परवाह है अपनी इमेजिनेशन की है, कल्पना की है, एंड थॉट प्रोसेस, और उनके विचार की जो प्रक्रिया है उसकी है। ओवर द मैनर्स हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन टू हर, और वो मैनर, वो तरीका जो पेरेंट्स उसके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने ख्यालों में खोई रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काफ़ी सल्किंग है या काफ़ी मूडी है। दोस्तों पोइम कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं और पोइम का जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए हमने पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें।